वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड सो गाइस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम सी ओ फोर जो कि हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस एनवायरमेंट उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में तो इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपको वो क्वेश्चन जो कि आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में एंड गाइज uh, जो भी एम कॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको बताना चाहूँगा कि जो एम सी ओ फोर का सब्जेक्ट है वैसे पढ़ने में इजी है लेकिन जो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं तो यू हैव टू रीड अ लॉट एंड जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं एग्ज़ाम्स में तो उन सब को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है और ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वीडियोस में इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में बट आपको अपनी जो तैयारी है प्रिपरेशन है उसको अच्छे से करना होगा बिकॉज दिस विल नॉट बी एन ईजी सब्जेक्ट तो एम कॉम के सेकेंड ईयर के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स थोड़े डिफ़िकल्ट हैं इफ़ आई टॉक अबाउट एम सी ओ फोर एम सी ओ थ्री एंड एम सी ओ सिक्स ये आपके काफ़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स आ जाते हैं और एम सी ओ सेवन भी साथ में तो कोशिश कीजिएगा इन चारों सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन अभी से आप स्टार्ट कर दें वीडियोस मेरी तरफ से आपको मिलती रहेंगी आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए और रेगुलर बेसिस पर मैं वीडियोस प्रोवाइड करूंगा आपको तो आप उनको देखते रहिए और साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए सो गाइज़ वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस आपको समझ में आ जाएँ तो जो क्वेश्चंस आपको डिस्कस करूंगा उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है एंड उसके बाद में रिमेनिंग क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लीजिएगा तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर मिशन याद रखिएगा दैट इज सेवेंटी परसेंट और मोर इन आर अपकमिंग एग्जाम्स सो यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर दैट सो क्वेश्चन नंबर वन हम डिस्कस करेंगे जिसमें आपके एक्सप्लेनेटरी नोट्स के बारे में हम बात करेंगे तो एग्जाम में पूछा जाता है शॉर्ट नोट या फिर एक्सप्लेनेटरी नोट्स तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप अपने नोटबुक में लिखते जाइए तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है एप्लीकेशन एंड कवरेज ऑफ साइका 1985 यूनिट नंबर सिक्स का क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको टिक कर लीजिए साइका का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आपको इसके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए एक क्वेश्चन तो आपको मिल सकता है अपने एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट्स अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट यूनिट नंबर सेवनटीन इम्पॉर्टेंट है एज़ आई मैंशन बिफोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबसे पहले कवर कीजिएगा उसके बाद में आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कीजिएगा और सभी अगर आपके टॉपिक्स कवर अप हो जाएँ और अगर टाइम बचता है आपको रीडिंग करने का मन है तो आप रिमेनिंग के चैप्टर्स भी पढ़ सकते हैं टॉपिक्स पढ़ सकते हैं एज़ पर योर कन्वीनियंस बट इतने जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर मैंशन कर रहा हूँ अगर इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर किया तो ऐटलीस्ट फिफ्टी टू सेवेंटी मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम में बहुत आराम से नाउ द थर्ड टॉपिक वी हैव और द क्वेश्चन वी हैवे सोशल ऑडिट तो सोशल ऑडिट क्या होता है यूनिट नंबर थ्री का टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको टिक कर लीजिए नेक्स्ट so है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एस ई जी सेज तो यूनिट एटीन का कॉन्सेप्ट है इम्पॉर्टेंट है उसके बाद आता है हमारा ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अगर आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया होगा तो उसमें भी आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिला होगा तो बिल्कुल रिलेटेड कॉन्सेप्ट है प्रिपेयर ऑलरेडी होगा पढ़ना चाहें तो यूनिट नाइनटीन में आपको मिल जाएगा ये टॉपिक यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया यूनिट नाइन का क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए इसको नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज इकोनॉमिक प्लानिंग यूनिट फोर्टीन का क्वेश्चन है एंड द लास्ट वन इज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यूनिट ट्वेंटी वन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको टिक कर लीजिए ठीक है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले प्रिपेयर कीजिएगा उसके बाद में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो अभी हमारे एक्सप्लेनेटरी नोट्स वाले क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप हो चुके हैं अब आप नेक्स्ट uh, स्लाइड पर चेक कीजिएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन के क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट होंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ओके तो सबसे पहला हमारा uh, जो क्वेश्चन है वो है स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स एंड ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट यूनिट नंबर एट का कॉन्सेप्ट है कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है मोस्ट टेंट के तौर पर टिक कर लीजिए इसको नेक्स्ट वी हैव डिफरेंस बिटवीन स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन यूनिट नंबर टेन का क्वेश्चन है ओके है आपका नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द रेपो रेट्स एंड रिवर्स रेपो रेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट नंबर नाइन का क्वेश्चन नेक्स्ट वी डू हैव मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस यूनिट सेवन मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके एंड गाइज ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो जस्ट कैंसल इट नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव एंटरप्रिन्योरशिप रोल एंड प्रमोशनल रोल ऑफ गवर्नमेंट यूनिट नंबर फोर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका ये नेक्स्ट वी डू हैव एफ डी आई एंड एफ आई आई तो फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफ आई आई के बीच में क्या डिफरेंस होता है यू हैव टू एक्सप्लेन यूनिट नंबर ट्वेंटी का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वी यू हैव कमर्शियल बिल एंड ट्रेजरी बिल यूनिट नंबर नाइन का क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट इसके बाद है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर टिक कर लीजिए यूनिट थर्टीन का क्वेश्चन है और काफ़ी बार आपका ये रिपीट हो चुका है एग्जाम में एंड उसके बाद लास्ट हमारा जो डिस्टिंग्विश बिटवीन का क्वेश्चन है दैट इज़ फाइनेंशियल सेविंग्स एंड फिजिकल सेविंग्स यूनिट थर्टीन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको भी टिक कर लीजिए ओके तो जल्द से जल्द नोट डाउन कर लीजिए इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस एंड इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं फर्दर क्वेश्चंस सो अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाएँ और अकॉर्डिंगली वो अपनी प्रिपरेशन क्या कर सके नैरो डाउन कर सके एंड गाइज आपको अगर क्वेश्चन पता हैं और आप इनको प्रिपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आप कवर कर पाएंगे एंड सेंस दे ऑल आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो इससे आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी टू डाउन योर एंटायर सिलेबस तो नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है एंड इस पे क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारा वॉट इज बिजनेस एनवायरमेंट एक्सप्लेन द मेजर एलिमेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द एन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस वाई इज दट इम्पॉर्टेंट फॉर अ मैनेजर टू स्टडी एंड स्कैन दिस एन्वायरमेंट यूनिट वन का क्वेश्चन है और इसमें आपसे बेसिकली तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं पहला है बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है फिर आपको बताना है मेजर एलिमेंट कौन कौन से होते हैं बिजनेस एनवायरमेंट के और क्यों आपका एनवायरनमेंट को स्टडी एंड स्कैन करना इम्पोर्टेंट है मैनेजर को तो वो बताना है ओके यूनिट वन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव डिस्कस द मेन फीचर्स एंड पहला क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट के तौर पर टिक कर लीजिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एज इनन्सिएटेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाइनटीन compare it with old policy of 1956 and outline the grounds on which the new policy had been criticized unit 15 ka question hai most important hai aapka uh, 2014 se abhi tak agar main baat karu to do ya teen bar aapka repeat ho chuka hai question so accordingly you have to prepare और इसमें क्या बताना है सबसे पहले तो आपको बताने हैं जो new industrial policy थी 1991 वाली उसके important features क्या हैं फिर उसको आपको 1956 की जो पॉलिसी थी न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी उसके साथ कंपेयर करना है और किस बेसिस पर जो न्यू पॉलिसी थी उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है वो आपको बताना है तो देख लीजिए क्वेश्चंस इजी नहीं आते काफ़ी आपका यू you नो know, चीज़ें पूछी जाती हैं तो दैट्स वाई आई वुड सजेस्ट जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी और सोच रहे हैं कि आप एग्ज़ाम टाइम पर पढ़ लेंगे एंड एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो दैट्स नॉट हैपन और एग्ज़ाम अगर क्लियर भी करेंगे तो मार्क्स कम आएंगे तो थोड़ा सा भी पढ़ लीजिए एक एक क्वेश्चन का आंसर भी अगर डेली आप पढ़ना शुरू कर देंगे देन यूल बी एबल टू कम्प्लीट ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिफोर एग्ज़ाम नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव वाई सॉरी वॉट डू यू मीन बाई प्राइवेटाइजेशन वाई इज़ इट कंसिडर नेसेसरी टू एक्सप्लेन द पॉसिबल एरियाज ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड पॉइंट आउट द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया यूनिट नंबर सेवनटीन का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको बताना है कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है एंड दूसरा इसमें पार्ट है कि क्यों प्राइवेटाइजेशन ज़रूरी है आज के कंडीशन में एंड पॉसिबल कौन कौन से एरियाज़ हैं जहां पर प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं प्राइवेटाइजेशन के कॉन्सेप्ट को इंडिया में तो ये आपको एक्सप्लेन करना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट के तौर पर इसको भी टिक कर लीजिए ओके अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके स्क्रीन पर आ चुका है एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स इज़ गिव फाइव आर्ग्यूमेंट्स टू जस्टिफाई बिजनेस एंटरप्राइजेज अज्यूमिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एनमरेट कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एफर्ट्स मेड इन इंडिया ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग एंड दरियस अप्रोचेज अडॉप्टेड फॉर सोशल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग यूनिट थ्री का क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कई बार रिपीट हो चुका है एग्ज़ाम में तो इसको सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है तो आपको बताना है कि जो बिज़नेस एंटरप्राइजेज़ हैं जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम करती हैं या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करती हैं तो ऐसा क्यों करती हैं उनके लिए फ़ाइव आर्ग्यूमेंट्स देने हैं आपको और इसके बाद आपको बताना है कि जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसके जो एफर्ट्स किए गए इंडिया में उनकी क्या कंडीशंस हैं ओके okay, उसके बारे में बताना है कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके एंड उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग और कौन कौन सी अप्रोचेज़ होती हैं सोशल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के लिए उनको आपको बताना है तो आप डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन तो क्वेश्चन नंबर सेवन आपके स्क्रीन पर आ चुका है एंड क्वेश्चन इज़ डू यू मीन बाय मनी मार्केट स्टेट द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड डेफिशियंज ऑफ इंडियन मनी मार्केट ऑल्सो स्टेट द वियस्ट मेजोर इंट्रोड्यूस्ड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू स्ट्रेंदन द इंडियन मनी मार्केट यूनिट नंबर नाइन का क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको भी टिक कर लीजिए तीन चार क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ठीक है तीन चार टॉपिक्स हैं जो कि आपको एक्सप्लेन करने हैं सबसे पहला है मनी मार्केट के बारे में कि क्या होता है मनी मार्केट और कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं या फिर डेफिशेंसीज़ हैं इंडियन मनी मार्केट की वो आपको बतानी है एंड इसके अलावा कौन कौन से मेजर्स लिए गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू इंडियन मनी मार्केट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उनको आपको स्टेट करना है या एक्सप्लेन करना है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट नंबर नाइन का टॉपिक है तो आप अकॉर्डिंगली पढ़ लीजिएगा एंड जिस टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए चाहिएगा आई एम अगेन स्टेटिंग आप uh, कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा आई ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन ऑल द टॉपिक्स जितना होगा मेरे से आई प्रोवाइड यू द वीडियो सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स बाकी अगर इनमें से कोई स्पेशली आपको टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कॉमेंट में मैंशन जरूर कीजिए आई चेक दैट एंड आई प्रोवाइड यू द वीडियो ऑन दैट न बात करेंगे क्वेश्चन नंबर एट की जो कि है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट कैरेक्टराइज ट्रेक्स एंड प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग ऑल्सो डिस्कस द इम्पॉर्टेंट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इंडियन बिज़नेस एन्वायरमेंट यूनिट वन का क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट है आपका और uh, सबसे पहले आपको बताना है इसमें इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और क्या प्रोसेस है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग uh, की वो आपको बतानी है तो तीन चीज़ें तो आपसे यहीं पर पूछी गई है एंड इसके अलावा इंडियन बिजनेस इन्वायरमेंट में कौन कौन से चेंजेज हैं इम्पॉर्टेंट चेंजेज़ हैं जो कि अभी यूनो टेक प्लेस कर रहे हैं तो उनके बारे में भी आपको डिस्कस करना है तो ये काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट है एज आई साइड इम्पोर्टेंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को फिनिश कीजिए एंड देन फॉलो दी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो अभी नोट डाउन कर लीजिए एंड फिर बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस करता हूँ वहाँ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनस आई एम श्योर कि आपने नोट no डाउन कर लिए होंगे अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है क्वेश्चन नंबर नाइन इज ऑन द स्क्रीन इट्स एज डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन फंक्शंस ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑल्सो स्टेट द प्रोविजन ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट टू थाउजेंड टू विद रेस्पेक्ट टू चेकिंग ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन यूनिट सेवन का क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक कर लीजिए तो सबसे पहले आपको बताना है अबाउट दी कॉम्पोजिशन फंक्शंस ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ कॉम्पटिशन कमीशन ऑफ इंडिया तो कॉम्पटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि बेसिकली इंस्टीट्यूट है टू uh, जो कि इंश्योर करती है कॉम्पटिशन फ्री एंड फेयर हो मार्केट में उसकी कॉम्पोजिशन फंक्शंस और या कह लो ड्यूटीज एंड पावर के बारे में आपको बताना है इसके अलावा आपको बताने हैं कि जो हमारा कंपटीशन एक्ट 2002 का था उसके क्या प्रोविजंस हैं विद रेस्पेक्ट टू सबसे पहला पॉइंट कोई भी अपनी डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज ना कर सके इन दैट पर्टिकुलर रेस्पेक्ट एंड सेकेंड अगर कोई भी कॉम्बिनेशन या कार्टल बनाया जाता है तो उसको रेगुलेट करने के लिए आपके क्या क्या प्रोविजन्स हैं तो वो आपको एक्सप्लेन करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आल मेक अ वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक टू एक्सप्लेन सो आप उसको देख लीजिएगा एंड अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर नाइन और टेंथ क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है एंड क्वेश्चन इज वर लेजिस्लेटिव इनक्टमेंट्स फाउंड नेसेसरी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्टेट द इम्पोर्टेंट प्रोविजन ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स यूनिट फाइव का क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपको सबसे पहले बताना है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए जितनी भी आपके लॉज बनाए गए लेजिसलेटिव एंड en की गई क्यों जरूरी थी वो एंड uh, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है नाइनटीन का उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन हैं यू हैव टू एक्सप्लेन दैट यूनिट फाइव में आपको इसका आंसर मिल जाएगा नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑन द स्क्रीन एंड इट इज डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कारपोरेट गवर्नेस State the requisites of good corporate governance and explain as to why accountability is regarded as the key to success in corporate governance. Also outline the measures adopted in India to ensure good corporate governance. Unit 12. तो so guys ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं और आपको प्रिपरेशन बहुत स्ट्रॉंग है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की दिन only you attempted, वरना बहुत कुछ पूछा गया है and uh, अब छोटे-छोटे पॉइंट्स पैराग्राफ ही लिखेंगे हम हर पर्टिकुलर टॉपिक के लिए तो भी आप क्या कर सकते हैं अपना पाँच से छः पेज का एक आराम से अच्छा सा आंसर लिख सकते हैं एंड यू कैन एटलीस्ट स्कोर फिफ्टीन टू ट्वेंटी ट्वेंटी मार्क्स का होगा फिफ्टीन टू एटीन मार्क्स तो एग्जामिनर दे, दे देगा अगर आप अच्छे से अपने आंसर को प्रेजेंट करेंगे थो. तो तो सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताना है और फिर उसके बाद बताना है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए और क्यों आपको लगता है कि अकाउंटेबिलिटी कॉरपोरेट गवर्नेंस की एक की फैक्टर है सक्सेस के लिए एंड इसके अलावा इंडिया ने क्या क्या पॉइंट्स या मेजर्स लिए हैं गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस को इंश्योर करने के लिए उन पॉइंट्स को आउटलाइन करना है यूनिट ट्वेल्व का क्वेश्चन है ओके okay? तो so, जल्दी से नोट कर लीजिए क्वेश्चंस एंड फिर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पर्टिकुलर स्लाइड पर और डिस्कस करेंगे फर्दर क्वेश्चंस ओके तो आई होप नोट कर लिए होंगे क्वेश्चंस बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर तो नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आ चुका है एंड इट इज वट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट वॉट आर दरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ऑन बी ओ पी दिसक द मेजर्स अडॉप्टेड टू इम्प्रूव इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यूनिट एटीन का क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपको ऑलमोस्ट जितने भी अभी तक सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे सब में आ चुका होगा तो आपने प्रिपरेशन ऑलरेडी कर कर ली होगी इस टॉपिक की इंपॉर्टेंट लिख लीजिए एक बार पढ़ लीजिएगा कि बीओपी क्या होता है बीओपी में कौन कौन से टाइप के अकाउंट्स आते हैं और इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से मेजर्स लिए गए हैं उनके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिएगा बात करेंगे नेक्स्ट uh, क्वेश्चन की जो कि है एक्सप्लेन द सेलियट फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी टवर्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वॉट आर द मेजर कॉन्स्टेंट दैट आर बींग फेस्ड बाय स्मॉल स्केल सेक्टर डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दैट हैज बीन एवॉल्व फॉर द प्रमोशन एंड ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया यूनिट सिक्सटीन का क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको टिक कर लीजिए सबसे पहले आपको बताने हैं कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी ली है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए उसके क्या सिलियन फीचर्स हैं कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं अपने स्मॉल स्केल सेक्टर के यू नो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में वो आपको बताना है एंड उसके बाद आपको बताना है कि जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है इंडिया की उसके डेवलपमेंट एंड प्रमोशन के लिए जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है जो इंस्टीट्यूट सेटअप की गई हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है कि कौन कौन सी इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं जो कि प्रमोट एंड ग्रो करेंगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इंडिया में यूनिट सिक्सटीन का क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट एज आई सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन क्वेश्चन फोर्टीन एंड इट सेज एक्सप्लेन द मेजर्स अडोप्टेड बाई सेिंग इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन मार्केट ऑल्सो स्टेट दी गाइडलाइंस विद रेस्पेक्ट टू प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन अ पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय अस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी यूनिट इलेवन का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको टिक कीजिएगा से बी का एक क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा चॉइस में एंड uh, आपने अगर सेम डिट्टो क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल कर लीजिएगा कुछ भी चेंजेस आते हैं तो पहले पढ़ लीजिएगा कि आपको उस टॉपिक के बारे में पता है देन ओनली अटेम्प्टेड तो एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पढ़ के ही अपना आंसर दीजिएगा तो सबसे पहले आपको बताने हैं कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस को स्टॉक मार्केट में मेंटेन करने के लिए स्ट्रांग स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए कौन कौन से मेजर लिए हैं सेबी ने तो वो आपको बताने हैं और सेबी की क्या गाइडलाइन है जब भी कोई लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी पब्लिक इश्यू करती है सिक्योरिटीज़ का तो उसके रेस्पेक्ट में सेबी ने क्या क्या गाइडलाइंस आपकी प्रोवाइड की हुई हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है सो so, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए फर आप जल्दी से नोट कर लीजिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन uh, पर सो गाइज नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ चुकी है एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे फर्दर क्वेश्चन सो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इज ऑन द स्क्रीन एंड इट सेज़ वट आर द राइट्स कन्फर्ड अपॉन द कंज्यूमर्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स एक्सप्लेन एंड वट आर द कंप्लेन दैट कैन बी फाइल्ड बिफोर अ कंज्यूमर फॉरम यूनिट सेवन का क्वेश्चन है तो आपको बताने हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो बना था उसमें कंज्यूमर्स को क्या क्या राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं एंड इसके बाद आपको बताना है कि कौन कौन सी कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग कंज्यूमर कंज्यूमर फॉरम में कंप्लेंट फाइल कर सकता है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस टॉपिक को आप इम्पॉर्टेंट के तौर पर लिख लीजिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा गया है दो से तीन बार अगैन सो अकॉर्डिंगली इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑन द स्क्रीन एंड इट सेज़ व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट रिगार्डिंग वर्किंग आर्ट्स फॉर एडल्ट वर्कर्स एंड व्हाट इज द मेन पर्पस अंडरलाइंग द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 एक्सप्लेन द रोल ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड्स इन दैट कॉन्टेक्सट यूनिट एट का क्वेश्चन है आपको सबसे पहले बतानी है जो फैक्ट्रीज़ एक्ट हमारा यू नो बनाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से तो उसमें एडल्ट वर्कर्स का कितना वर्किंग टाइम प्रोविजन बनाया गया है और मिनिमम वेजेस एक्ट जो 1948 में बनाया गया उसका मेन पर्पस क्या था एंड इसके अलावा जो एडवाइजरी बोर्ड है जो कि मिनिमम वेजेस एक्ट के लिए बनाया गया था उसका क्या रोल है उसको आपको एक्सप्लेन करना है तो यूनिट एट का क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर टिक कर लीजिए अकॉर्डिंगली इसको प्रिपेयर कीजिएगा नाउ फर्दर क्वेश्चन हमारा है सेवनटीन वॉट इज मींट बाय वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट डिस्कस द स्कीम्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेश फार इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया यूनिट एट का क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट के तौर पर टिक कर लीजिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव डिफाइंड स्टॉक एक्सचेंज एंड डिस्क्राइब इट्स की फंक्शन ऑल्सो एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फॉर कंपनीज इन्वेस्टर्स एंड सोसाइटी यूनिट टेन का क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको टिक कर लीजिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार आपका एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका है और इसके इस बार इस भी रिपीट होने की चांसे तो फ़ट के चांसेस ज़्यादा हैं तो फटाफट नोट कर लीजिए स्लाइड के क्वेश्चंस भी अन बढ़ते हैं फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस करेंगे फॉर द क्वेश्चन सो नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ गई है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इज ऑन द स्क्रीन इट्स एज एन एमरेट द मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूसड इन द कंपनीज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स टूरिंग नाइनटीन नाइनटी नाइन टू टू थाउजेंड वन explain briefly the major provisions of the company's second amendment act 2002 and also describe the important amendments proposed under the company's amendment bill 2003 and the additions proposed thereto by irani panel unit 6 ka question hai kafi aap dekh sakte hain lengthy question aaya hua hai इस तरह के questions जब तक आपके prepare अच्छे ना हो तो avoid अवॉइड कीजिएगा अटेम्प्ट मत कीजिएगा एंड कोई दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लीजिएगा जो कि सिंपल क्वेश्चन के साथ हो तो सबसे पहले आपको बताने हैं कि जो 1999 और 2001 में कंपनीज़ एक्ट 1956 में चेंजेस आए तो उनमें क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए उनके बारे में आपको बताना है फिर आपको बताना है जो कंपनीज़ सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट था टू टू वाला उसके मेजर प्रोविजन क्या हैं और इसके बाद जो कंपनीज़ अमेंडमेंट बिल आया 2003 में उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स किए गए प्रपोज और जो आपके एडिशंस प्रपोज किए गए ईरानी पैनल के थ्रू उनके बारे में भी एक्सप्लेन करना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा इसको टिक कर लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट के तौर पर अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ट्वेंटी एथ क्वेश्चन यूनिट नंबर अलवन का स्टेट से बी गाइडलाइंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ए प्राइजिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ पब्लिक इशू प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन अ पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ डॉक्यूमेंट्स टू बी सब्मिटेड अलॉन्ग विद document by the lead manager तो से बी का जितना भी टॉपिक है आपके बुक में उन उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि सीबी में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपका एग्जाम में क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको बतानी है से की क्या क्या गाइडलाइंस हैं इन पर्टिकुलर पॉइंट्स के लिए सबसे पहले प्राइजिंग ऑफ सिक्योरिटी जो की जाती है पब्लिक इश्यू के टाइम पर उसके रिगार्डिंग क्या गाइडलाइंस हैं और जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन होता है पब्लिक इश्यू में सिक्योरिटीज़ के उसके लिए क्या गाइडलाइंस हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लीड मैनेजर को सबमिट करने हैं ऑफर डॉक्यूमेंट के साथ में तो वो आपको उसकी गाइडलाइंस बतानी है तो इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर टेक कर लीजिए नाउ ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ़ फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनिटरी पॉलिसी वाइज कोऑर्डिनेशन बिटवीन मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी इज़ नेसेसरी यूनिट फिफ्टीन का क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा होगा एलेवे ट्वेल्थ क्लास में तो दे आर अवेयर अबाउट दिस जो आपकी यू नो बुक थी उसका जो मनी एंड बैंकिंग वाला टॉपिक है उसमें सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि फिजिकल पॉलिसी क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और क्यों दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन इम्पॉर्टेंट होता है ओके okay? तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट फड़ इनको एंड फर्दर डिस्कस करते हैं बाकी के क्वेश्चन एंड अब हमारे दो क्वेश्चन पेंडिंग हैं बाकी हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं तो लास्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इज ऑन द स्क्रीन एंड इट से एक्सप्लेन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल एन्वायरमेंट डिस्कस इन ब्रीफ द क्रिटिकल elements ऑफ political environment. यूनिट फोर का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट तो आपको बताना है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का क्या नेचर है क्या इंपॉर्टेंस है और uh, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के यू हैव टू डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट इट Now क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी मेन प्रोविजन बताने हैं आपके इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन के ये आपको यूनिट सेवन में मिल जाएगा और सेकेंड हमारा जो टॉपिक है वो है एग्जाम पॉलिसी टू एंड सेवन यूनिट एटीन में आपको इस टॉपिक के प्रोविजन्स मिल जाएंगे ओके तो ये ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए एंड इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा ओके तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट uh, क्वेश्चन इनको आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी एंड uh, जैसा कि मैंने आपका स्टार्टिंग में मैंशन किया था डेली बेसिस पर अगर आप एक या दो आंसर्स भी प्रिपेयर करेंगे एग्ज़ाम टाइम तक आप बहुत अच्छे से अपनी सारी प्रिपरेशन कर लेंगे एंड uh, अगर आपने डेट शीट देखी होगी तो डेट शीट में देख लीजिए गैप बहुत कम है बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बीच में तो अभी से अपना प्लानिंग कर लीजिए कि, कि किस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है जो लास्ट मोमेंट पे स्टडीज़ करते हैं स्टूडेंट आई वुड सजेस्ट है कि प्लीज़ गो अहेड एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन मेरी तरफ़ से वीडियोस आपको मिलती रहेंगी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उन वीडियोस के थ्रू भी आप बेनिफिट ले सकें ठीक है तो अभी के लिए इतना ही मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स बाय बाय